सर सबसे पहले तो रूम किस तरह की मूवी है और इसकी यूएसपी क्या है? सबसे पहले रूम द मिस्ट्री एक यूथ की स्टोरी है जो हॉरर कम थ्रिलर कम रोमांटिक और सस्पेंस मूवी है, जिसमें एक सोशल मैसेज भी दिया गया है। नॉर्मली हॉरर मूवी में हॉरर टाइप का जोनर रहता है, लेकिन इसके अंदर हॉरर कम यूथ स्टोरी के अंदर कि आज के जो युवा अपने आप को पार्टी और इसमें बिजी रखने के लिए अपने आप को किस हद तक नीचे गिरा सकते हैं, दूसरे के साथ सोसाइटी के साथ क्या खिलवाड़ कर सकते हैं और उससे उनको क्या इफेक्ट आता है दूसरी फैमिलीज को, वो इसमें दर्शाया गया है। एक सोशल मैसेज भी है हॉरर मूवी के साथ में। जब हॉरर मूवी के लिए जो स्टारकास्ट फाइनल करनी होती है काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, तो आपने इस मूवी के लिए स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज किया? स्टारकास्ट जैसे एक सिस्टम रहता है, कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया, उसमें से 400-500 आर्टिस्ट के उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, उसके बाद जो सेलेक्ट हुए जो इस रोल के अंदर फिट हो रहे हैं उनको फिट किया गया, फिर उनका 4 महीने तक एटलीस्ट वर्कशॉप चला है, उसके बाद उनको शूट पर ले जाया गया। सर आपने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिसाइड किया, तो क्या स्पेशलिटी है फिल्म की जो आपने देखी है? नहीं, फिल्म भले न्यू स्टारकास्ट के साथ में, लेकिन वेली वेल मेड फिल्म है और गाने अच्छे हैं फिल्म के। यूएसपी इनका जो इन लोगों ने शूट किया 40-45 डेज दिल्ली, सिक्किम और गुजरात, बॉम्बे, मुझे ऐसा लगा कि यार नई स्टारकास्ट भले है लेकिन फिल्म में जो ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आए वो सारी चीज़ मौजूद है। मैंने डिसाइड किया कि इस फिल्म को लिया। सर आपसे जानना चाहूँगा जो स्टारकास्ट है उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि उनका नाम क्या है या ऐसे जो इंटरव्यूज करने इसके अंदर जो हीरोइन है मेन लीड रोल किया है वो इब्रा खान ने किया है, वो काची के अंदर जो मिस्टी है मेन हीरोइन उसकी वो सिस्टर बनी है। दूसरी है रोजिन डिसूजा, वो थिएटर में और मॉडलिंग में काफ़ी काम करती हैं। एक है इशू गंभीर, वो टीवी सीरियल के इनके आर्टिस्ट हैं और आतिफ भी थिएटर और टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हैं। और एक शाश्मिता शर्मा है, वो ये टीवी सीरियल में काफ़ी काम करती है और काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने रोल किए हैं। नाम तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है लेकिन नॉट एज ए लीड रोल पर साइड रोल काफ़ी मूवीज़ में किए हैं। तो स्टारकास्ट ऐसे नहीं है कि लीड रोल के लिए नहीं है, बाकी स्टारकास्ट नहीं है, बाकी ऐसे काफ़ी काम किया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फिल्म की शूटिंग जो है सिक्किम और दिल्ली में हुई है, तो 40-45 दिन का ये शूट था, तो कैसा एक्सपीरियंस था सबके साथ काम करने का? नहीं, काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, सबने टीम वर्क होके काम किया और सभी ने जितना जो हो सके सब कोऑपरेट किया, इंक्लूडिंग ऑल स्पॉट बॉय से लेकर टॉप से टॉप जो डायरेक्टर से लेकर सब प्रोडक्शन मैनेजर, सभी में किसी में कोई कमी नहीं रही है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। इवन स्टारकास्ट ने भी और इन चीज़ों मौके जैसे उनका शूट ओके हो गया था, शॉर्ट ओके हो गया, लेकिन नहीं हमको और दो तीन एंगल से अलग अलग से जब तक वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है। इवन डायरेक्टर उनको बोल रहे हैं कि नहीं ये कंप्लीट है, इससे ज़्यादा मेरे को और नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इंतजाम दे दिया कि नहीं ये भी शूट करो करके सब उन्होंने अच्छा किया। क्योंकि जो इन्होंने 3-4 महीने पहले जो वर्कशॉप की थी मूवी की, वो अलग अलग एंगल से अलग अलग डायलॉग, मतलब डायलॉग फिक्स है लेकिन प्रेजेंटेशन अलग अलग करके दी, वो एक्सपीरियंस हुआ उनका काम आया काफ़ी। अच्छा, कुछ टिप्स दी थी आपने एक्टर्स के लिए, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, तो टिप्स भी दी होगी उनके किरदार के लिए आपने? नहीं, मैंने उनको ऐसा कोई, मैंने कहा बन के मत रहो, कोई कैसे भी नहीं रहो, जैसा तुमको अच्छा लगे और जो रोल में शूट करे तुम लोगों को उस हिसाब से तुम अपना किरदार निभाओ, क्योंकि ये हॉरर मूवी है, कई कोई इसमें वो लाइनअप नहीं देखी जाती है, एक थ्रिलर और इतनी फास्ट मूवी चलती है कि किसी को भी ऑडियंस को बांधे रखती है, वो सीट से उठ नहीं पाता है कि अरे ये क्या, अभी क्या, अभी क्या, अभी क्या, अभी क्या, तो इतना वो नहीं है, तो उन्होंने उस हिसाब से वो इतना फास्ट काम सब किया है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और कितने थिएटर्स में रिलीज की जाएगी? वर्ल्ड वाइड कर रहा हूँ मैं इस फिल्म को, इवन इंडिया में तो पूरे ऑल इंडिया रिलीज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम इसको अब्रॉड में भी कर रहे हैं, मलेशिया में रिलीज हो रही है, दुबई में रिलीज हो रही है। टोटल कितने भाषाओं में रिलीज की जाएगी? नहीं, भाषा तो फिलहाल हमने हिंदी को ही टारगेट किए हैं, लेकिन क्योंकि सब टाइटल्स के साथ में, मले सब टाइटल के साथ में, फ्रेंच सब टाइटल के साथ में, यूके रिलीज कर रहा हूँ मैं, अरेबिक सब टाइटल के साथ में दुबई रिलीज कर रहा हूँ, तो सब टाइटल के साथ में कर रहा हूँ, डब करके नहीं कर रहा। अच्छा, आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में? ऑडियंस से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भले नहीं, उनको लगता है न्यू स्टार कास्ट की है, लेकिन न्यू स्टार कास्ट नहीं है, सभी एक्सपीरियंस है, कैनवास इसका काफ़ी बड़ा है, यूथ स्टोरी है, यूथ लेवर है, और आज की जो युवा पीढ़ी को ठीक है उनको मौज मजे पार्टी सब करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में सोसाइटी एट लार्ज भी उनको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मूवी ज़रूर देखें। और इसके अंदर जो गाने हैं वो ऋतु, एक गाना यूथ का ऋतुराज मोहंती ने गाया है जो यो हनी सिंह का विनर रहा है रो स्टार शो का, दूसरा गाना दिल्ली के जो मशहूर कव्वाल है कुतुबी ब्रदर्स, उन्होंने गाया है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी आप पे
इंडिया को अलग अलग कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया एज ए कव्वाली सूफीज़म सॉन्ग गा के। तो गाने हॉरर मूवी में ज़्यादातर म्यूजिक में ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर म्यूजिक के अंदर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया गया और यह भी एक इस मूवी की खासियत है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पैसे बहुत लगे हमारे, तो प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए ताकि हमारे नए स्टार कास्ट को भी मौका मिले कि वो भी कल के स्टार्स बने। थैंक यू। जी हाँ, नहीं मार्च, फ्रेंकली उसके लिए मैं कहूँगा कि ये डेट हमारे लिए स्पेशल है। फ्राइडे 13 जो मिस्ट्री डे कहा जाता है, जब भी 13 तारीख फ्राइडे को आती है तो मिस्ट्री के लिए बहुत पावरफुल मानी जाती है, तो टेंशन इस मामले में एनएसटेन को होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। तो कहने का देखा था फिल्म में आजकल डेफिनेटली बगैर देखिए फ्रेंकली लोग कहते हैं कि दो एस के बगैर फिल्म बनाना नहीं चाहिए या शाहरुख खान होना चाहिए या सेक्स होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो पार्ट ऑफ द फिल्म है। इसकी यूएसपी हमने कहेंगे कि जैसे सनी लियोन की फिल्म की यूएसपी सेक्स होती है, वैसे यूएसपी सेक्स नहीं है, पार्ट ऑफ द फिल्म है, ज़रूरी हिस्सा है आज का ऑडियंस के लिए कि पर्टिकुलर ऑडियंस है जो देखना चाहती है, इंटरटेनमेंट चाहती है, तो उसके लिए वो चीज़ है फिल्म में, लेकिन यूएसपी सेक्स है वैसा नहीं है, सोशल फिल्म का सोशल मैसेज के साथ में, लेकिन हाँ डेफिनेटली उसका भी ख्याल हमने रखा। सर बोर्ड ने जो है एक अलग डिसीजन लिया है ऐसी फिल्मों के लिए, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है आपकी अब तक? सेंसर बोर्ड फ्रेंकली हमारी फिल्म तो सेंसर हो गई है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा इशू है इंडस्ट्री के लिए, और प्रहलाद जी को कल भी मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि प्रहलाद जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने भी आंखें बनाई है जो टॉप 10 में है, और उसके लिए भी उन्होंने वो सारे मसाले वो सारी फ्लेवर्स वो सारी चीज़ें जो ऑडियंस को अंदर लेकर आती है यूज़ किया था। तो प्रहलाद जी को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, शत्रुघ्न जी के बहुत अच्छे मित्र है जिसके बदौलत सेंसर बोर्ड में मौजूद है, तो इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए कि जिससे इंडस्ट्री इफेक्ट हो, इस डिसीजन से इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है और इस इफेक्ट का उनको भी फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी आने वाली जनरेशन भी इसी इंडस्ट्री की खाएगी। तो हमारे सेंसर जी प्रहलाद जी से उम्मीद करते हैं हम कि इस तरीके के चीज़ें ना लाए कि जो जी और जीने दो की स्कीम है उस पर रहना चाहिए कि वो भी सर्वाइव करें हम भी सर्वाइव करें। इतनी बड़ी फिल्म है कि उसको अगर कॉपी करे तो मुझे नहीं लगता कि आज चलने वाली है। हाँ डेफिनेटली वो उस वक्त की उस दौर की उस तरीके की फिल्म थी, ये अलग तरीके का यूथ है, अलग तरीके के सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म से उस फिल्म का तालमेल हो सकता है, वो लीजेंड फिल्म है। अगर उससे आपने इस तरीके का सवाल पूछा हमारी फिल्म के लिए तो हमारी इज्जत है। और बेसिकली एक रूम की स्टोरी है भी नहीं, ये यूथ है जो अलग अलग जगह पे पार्टी करने घूमने करने क्लब में उनमें जाते हैं, सबसे पहला सवाल में जाके वो रूम के अंदर नहीं, एक सवाल होता है जब भी यूथ बात करता है कि डिस्को के बाद में रूम इज अवेलेबल और नॉट, सो इस तरीके की चीज़ है, रूम में कई मिस्ट्रियाँ छुपी है बहुत सारे रूम्स में, तो ये कहानी है जो इस तरीके का यूथ जब रूम में जाता है तो उसके साथ क्या होता है। वो खुद इतने सीनियर है जिन्होंने इतनी कव्वाली आज देश विदेश में हिंदुस्तान के लिए गाई है, उनके लिए कोई म्यूजिक कंपोजर करना उनकी तोहीन है, उनकी इज्जत की तोहीन है। थैंक यू।